पर हमारे लिए आई थिंक मुझे लगता है कि दीपिका और मोनिका दोनों ही अग्री करेंगे कि हमारे लिए ये एक फिल्म नहीं थी. दिस इज़ अ वेरी फॉर अस आई थिंक वी आर रियली प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. क्योंकि जब जिस तरीके की फिल्में जेपी सर बनाते हैं आई थिंक हर एक्टर का ड्रीम होता है टू बी पार्ट ऑफ अ फिल्म लाइक दैट. क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं होती है एंड यू नो इट्स दिस इज़ अबाउट द सैक्रिफाइसेस दैट द अनसंग हीरोज मेक फॉर अस व्हेन देयर एट द बॉर्डर्स एंड सिर्फ हमें यहाँ पर सेफ रखने के लिए. सो आई थिंक किसी भी तरीके का कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे लिए तो बहुत ही यू नो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था कि मैं कोई भी किसी भी इन व्हाटएवर लिटिल कैपेसिटी आई कुड बी अ पार्ट ऑफ दिस. आई वॉज वेरी वेरी प्राउड. माई ग्रैंड फादर वॉज अ फ्रीडम फाइटर एंड I wish he was alive to see that I was a part of this film because I'm sure he would have been really proud. I'm very proud and I'm really thankful to JP sir ki unhone mujhe is film ka ek hissa banaya aur hame ek bahut badi family mili. Bindiya ma'am jo jinhone hum sabko saath rakha. It didn't feel like we were shooting at all and I was just coming to that. How can I forget Nidhi? Of course it's really like Nidhi and Siddhi. We've got she's my sister. And really, I mean, हमने बहुत ही closely देखा है कि how hard Nidhi has worked on this. And I just can say that I'm sure everyone who's standing on this stage is so proud of you, Nidhi. And many more to come. Actually, as sir rightly said, there are different ways of serving the nation. And we all know without a doubt that he has been doing this from years. So I don't think we need to even think about a scope or how much, what, when it is offered to be a part of his film. So we are doing our bit of serving the nation. Hi, Deepika, एक सवाल और आपसे. टेलीविजन में आप बहुत पॉपुलर हैं. क्या अब आगे भी आप फिल्में करेंगी या टेलीविजन करती रहेंगी, दोनों करेंगी? सर बुलाएंगे तो डेफिनेटली भाग के आऊंगी. बाकी जो भी ऊपर वाले की मर्जी. Hi, this is Snehal this side. मेरा सवाल एक्चुअली सोनू आपसे है. काफ़ी कम फिल्मों में एक्टर्स को आर्मीज की लाइफ पोर्ट्रे करने का एक मौका मिलता है, तो एज एन एक्टर आप कितना डिफ्रेंशिएट करते हैं आर्मी की लाइफ को या फिर क्या कुछ आपने सीखा है इस फिल्म के दौरान? हाय स्नेहल, मैं यही कहूँगा सबसे पहले कि यू नो एक एक्टर की जर्नी इनकम्प्लीट है जब तक वो उसे एक एक आर्मी ऑफिसर या एक सोल्जर का किरदार निभाने को नहीं मिलता. मैं एज एन एक्टर जब मेरी शुरुआत हुई थी, मैं मुंबई में आया था, तो मैं जेपी सर के ऑफिस में गया था और अपनी पिक्चर्स बांटी. सर ने देखा मुझे और फिर सर को, जैसे हज़ारों मेरे जैसे लोग आते होंगे तो सर को याद भी नहीं था. और फिर एक दिन यू नो उसके करीबन 6-7 साल बाद मैं मिला, करीबन 2008 में मैंने फिल्म साइन की थी सर के साथ, कि सर ने मुझे बोला कि एक दिन मैं जब फिल्म बनाऊँगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा ज़रूर. मुझे 10 साल लगे उस कॉल का इंतज़ार करते करते और फाइनली पलटन हुई. बोलते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, यू नो. झूठ बोल रहा है. इसको एलओसी के लिए बुलाया था, इसके पास डेटे नहीं थी. नहीं सर, उससे पहले नहीं, बट आई यू नो नहीं, जेन्युइनली इट वॉज एन एक्सपीरियंस, यू नो. मैंने जब पहला शॉट देखा, इनफैक्ट यू नो जब हम लोग शूट कर रहे लद्दाख में, मैंने मॉनिटर पे पहला शॉट देखा तो मैंने सर से वही जाके बोला, मैं क्या सर आर्मी फिल्म बनाने का हक सिर्फ आप ही को है सर. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी ए पार्ट ऑफ दिस. एंड एक छोटी सी चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जब मैं निधि को ऊपर आया देखा यू नो ट्रेलर के रिलीज से पहले, जब मैं पहली दफ़ा आया था तो उस समय निधि थोड़ी छोटी सी थी और यू नो बड़ी मुश्किल से इसने ऑफिस का दरवाज़ा खोला और यू नो आई मेट हर. और उसके बाद यू नो शी वाज़ अ प्रोड्यूसर हैंडलिंग हंड्रेड्स एंड आई वुड कम से कम 800,000 जो सोल्जर्स थे एक्टर्स थे उनको अकेली लद्दाख में. शी वाज़ यू नो अ बॉस एंड आई वाज सो प्राउड यू नो सीइंग हर वर्किंग सो हार्ड एवरी डे. मुझे लगता है कि यू नो मैंने इतनी फिल्म इतने भाषाओं में की हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, एक्सपीरियंस प्रोड्यूसर्स, नए प्रोड्यूसर्स देखे, बट निधि जैसी प्रोड्यूसर आई थिंक शी इज़ अ लेसन फॉर लॉट्स ऑफ न्यू प्रोड्यूसर्स हु आर कमिंग इन द इंडस्ट्री टू लर्न हाउ द फिल्म्स आर मेड विद लॉट ऑफ पैशन एंड हाउ टू मेक दोज ड्रीम कम थ्रू. यू नो सर, वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू यू नो एज प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर. थैंक यू सो मच. अर्जुन, अर्जुन गुरमीत सर टू योर लेफ्ट. अर्जुन, दिस इज वेदिता फ्रॉम वाइकिंग्स. माई क्वेश्चन इज, इट इज ऑल्सो नोन दैट यू हैव टेकन ट्रेनिंग फ्रॉम योर फादर फॉर पलटन, सो टेल अस समथिंग अबाउट दैट.
एक्चुअली डैड फौज में ट्रेनिंग देते थे, हम लोग एमपी में डैड की पोस्टिंग हुई थी तो उनको मैं देखता था हमेशा ट्रेनिंग देते हुए, और काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं वहाँ पे जाता था और उनके साथ बैठता था और ट्रेनिंग उनके साथ करता था। जब पल्टन साइन की थी तो लकली डैड यहीं पे थे, तो कुछ चीज़ें जो उन्होंने समझाई, जो बताई, जो उन्होंने इतने सालों तक सीखा है, और ये मौका मुझे मिला ज़रूर उनसे सीखने का। Question to Sonal also. Sonal, this is a nice comeback for you. So what took so long for you for a comeback? So it's not really that I wasn't working. I was doing films down south. So I was busy with that. But it's fantastic. I think there couldn't have been a better film to come back with. Like I said earlier, I'm very proud to be a part of this. And I just can't wait for the audience to see this movie, because I think a lot more of the war films need to be made, because you know, that feeling of patriotism is above everything, and I'm just really proud, and I don't think it could have been better than this. Thank you. Arjun, Imtiaz, ek cheez hai, hum log hamesha sunte aaye 62 war hum log haar gaye, is war ke jo hum log jeete hain iske bare mein bahut hi kam logon ko pata hai, aap kya mante hain ki aakhir के बारे में लोगों को क्यों इतनी अवेयरनेस नहीं रही? आपने इतना अच्छा रोल किया है, उसका एक यादगार एक करेक्टर किया है। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था कि 1967 में ये स्कर्मिश जो हुई थी, जो छोटा सा बैटल था वो हुआ था। दैट इज़ थैंक्स टू जेपी सर दैट ही ब्रॉट द सब्जेक्ट टू मी, एंड व्हेन आई हर्ड अबाउट इट रोंटे खड़े हो गए थे मेरे, एंड आई वॉज रियली लाइक वाओ दिस रियली डिड हैपन। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जितने भी किरदार हैं हम सब के, यू नो, उन्होंने जो फैसले लिए, जिन्होंने जो सैक्रिफाइसेस किए थे, दे आर ऑल आर ट्रू हीरोज। उनके नाम ना बद वही हैं, जैसे कि मेरा नाम, मेरे किरदार का नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह, जो कमांडिंग ऑफिसर थे इस पल्टन के। उनकी जो सोच थी वो कहाँ से थे, यू नो, उन्होंने किस तरीके को तरीके से इस पल्टन को रखा वहाँ पर। और उस वक्त सिक्किम तो हमारे साथ था भी नहीं, सिक्किम वॉज अ प्रोटेक्टोरेट। उनके राजा ने हमारे फौज को ये जिम्मेदारी दी थी कि वो चीन के खिलाफ हमें प्रोटेक्ट करें, उन्हें प्रोटेक्ट करें। इस वॉर के बाद सिक्किम जॉइंट अस, एंड टू नो दिस हिस्ट्री, क्यों छुपाया गया था आई डोंट नो, आई थिंक इसलिए छुपाया गया था कि जब लोगों को पता चले तो इस फिल्म के ज़रिए पता चले, यू नो, कि जेपी सर को ये फिल्म कहानी बतानी थी, उनके तरीके से बतानी थी। इसे ना हम पॉलिटिकल करना चाहते हैं, ना उस हिसाब से सोचना चाहिए, मगर देयर वर सैक्रिफाइसेस दैट वर मेड, देयर वाज अ लॉट ऑफ डिसीजंस दैट वर टेकन व्हिच वर नॉट इन सिंक विद द गवर्नमेंट, यू नो। And I think if these soldiers did not make those decisions, today India's map would have been very, 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 very different. And we would have been very vulnerable as a country to lose Sikkim or not have Sikkim as part of us. So I don't know why this story was hidden. I think is film ko dekhne ke baad, a lot of people are going to ask that question. And I hope that they ask that question. So no, aap se aur bhi logon se puchenge ki jo character aap log kar rahe hain, इनके बात से मुझे एक लाइन याद आती है, फेयर इज अ रिएक्शन, फेयर इज अ रिएक्शन। एग्रेशन इज अ डिसीजन। सभी से पूछना चाहेंगे जो करेक्टर आप लोग कर रहे हैं, क्या उनके घर वालों से कुछ कभी मुलाकात हुई फिल्म के दौरान या फिल्म के बाद, फिल्म करने से पहले, उनके बारे में कुछ और जाना आप लोगों ने? यू नो, एक एक्ट जब आप खासकर ऐसी फिल्म करते हैं तो बड़ा ज़रूरी रहता है कि आप पूरा होमवर्क करें, बट जब जे पी दत्ता सर जैसे डायरेक्टर होते हैं तो हर चीज़ का रिसर्च किया गया था। यू नो, हमें उनकी पिक्चर्स दी गई थी, उनके बारे में बताया गया, उनकी फैमिलीज़ के बारे में बताया गया। तो आप जे पी सर के पास बैठ जाएँ, इन जब तक लाइटिंग होती है, शॉट होता है, तो मुझे लगता है आप इनके पास बैठे हैं, आपको ऐसी एनर्जी मिलती रहती है कि आपको पता होता है कि वो एक्टर कैसे रिएक्ट करेगा, या वो जो किरदार थे जिनको हम निभा रहे हैं, मैं मेजर बिशन सिंह का किरदार निभा रहा हूँ, तो कैसे बिशन सिंह जो थे वो कैसे बात करते होंगे, या कैसे उनका चलने का अंदाज़ होगा। सो मुझे लगता है जो ख़ास चीज़ जे पी सर में, कि इतने एक्टर्स के पास
जब भी कोई सवाल होते थे या उनके पास जाते थे उनको सब इंफॉर्मेशन मिल जाती थी और आई थिंक दैट्स द मैजिक ऑफ जे पी सर एज ए डायरेक्टर कि आपको कैमरा में वो एक्टर्स जो भी करते हुए दिखते हैं वो इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि कैमरा के पीछे जो डायरेक्टर है उन्होंने उनको इतना कुछ दे दिया है ताकि आप एवरेज काम करेंगे तो भी आप अच्छे ही दिखेंगे I'll tell you one thing. आपने कभी सोनू सूद को फ्लैग बनते हुए देखा है? ये एक्चुअली ह्यूमन फ्लैग बन जाते हैं ये किसी पोल पे घूमते हैं और फिर ब्लैक फ्लैग की तरह यूं खड़े हो जाते हैं पोल पकड़ के मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ ये फैक्ट है उनको बुला लेते हैं आप हैं तो आपको हम वो तस्वीर भेज दें जेपी सर सेंटर सर योर फेवरेट We'll just take the last question. Sir, और एक सवाल मेरा है। सर, एक सवाल 1998 में बॉर्डर आपने बनाई थी सुपर हिट फिल्म साबित हुई थी आज भी लोग उसे याद रखते हैं वॉर फिल्म के तौर पर आपको क्या लगता है 20 साल बाद इन 20 सालों में इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन में किस तरह का बदलाव आया आपका पर्सनल नज़रिया क्या है आपका टेक क्या है इस पर अगर आप कुछ बताएं मेरा पर्सनल नज़रिया बड़ा सिंपल है पहली बात तो बांग्लादेश भूलेंगे नहीं ये और जान छोड़ेंगे नहीं उसका बदला लेने के लिए ये लग रहे हैं और दूसरी मेरी जो मतलब विशेष टिप्पणी है इस पे कश्मीर पे कश्मीर इज लाइक अ चाइल्ड ऑफ अ ब्रोकन मैरिज वो दोनों तरफ से टॉफी खाता है थैंक यू सो मच सर मतलब ये तो बाहर ही लव दिस वंस फॉर यू यहाँ बड़े सारे लव की बात हमने कर ली बड़े सारे प्यार की बात कर ली उनको भी चाहिए थोड़ा सा हेलो यू नो मुंह मीठा हो गया लेकिन थोड़ा सा अगर लव लव एक क्वेश्चन सॉरी यार लव है इम्तियाज रहे हो लव में भी बोलेंगे आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं कैसा रहा क्योंकि जे पी साहब लेजेंड है और उसके उनके साथ एक ऐसी फिल्म करना जो अपने में एक हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस बताएं अपना कैसा रहा मैं मानता हूं कि मुझे जो मौका मिला जेपी सर के साथ काम करने के लिए आई थिंक आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड कैसे हुआ क्यों हुआ बट आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट यू नो जेपी फिल्म निधि सर उनके साथ जो काम करने का मौका मिला कभी भूल नहीं पाऊंगा एंड प्लस ऑल ऑफ अस सब जो कलाकार है साथ में उन सब के साथ रहना हर दिन वहाँ पे ले में इट वॉज एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस आई विल नेवर फॉरगेट इट इसके लिए मैं ऐड करता हूँ इनके से आप लोगों को अच्छा लग रहा है मैं क्या क्या बातें कह रहा हूँ मेरी फिल्म में एक डायलॉग है हीरोज डू नॉट चूज देयर डेस्टिनी डेस्टिनी चूजेस देम तो मतलब लिखने को इतना मिला है सबको हमको जोरदार तालियां फॉर पल्टन लेडीज एंड जेंटलमैन